नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल शालू ब्यूटी एंड फैशन में, जहां मैं बात करती हूं ब्यूटी लाइफस्टाइल एंड डीआईवाई स्टाइलिंग वीडियोस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो सो प्लीज मेरे चैनल को चेक करिए, एंड अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट आपके काम आ सकते हैं सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज अपनी डिजाइनर साड़ियों का जो कलेक्शन है वो शेयर करिए, सो सून मैं वो वीडियो भी लेके आऊंगी। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आप घर बैठे आप डिजाइनर साड़ियां कैसे बना सकते हो। अगर आपको डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तब भी आप ये काम कर सकते हो, एंड साड़ी बनाना बहुत इजी है। बस आपको एक कपड़ा चूज करना पड़ता है एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपनी साड़ी को कस्टमाइज कर सकते हो। सो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो जो मेरा पहला टिप है कि जब भी आप साड़ियों को डिज़ाइन करना चाहते हो आप थोड़ा सा ट्रेंड को फॉलो करो एंड सर्च करो कि किस तरह की साड़ियाँ जो है इन दिनों ट्रेंड कर रही हैं, एंड आपको अगर कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि अगर आपका माइंड जो है वो सेट रहेगा एंड क्लियर रहेगा कि आपको किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फैब्रिक को भी सर्च करना मार्केट में, एंड आपको ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप जो ट्रेंड है उसे फॉलो करिए, अपने फेवरेट यूट्यूबर को फॉलो करिए या फिर कोई फेवरेट डिजाइनर है आपके जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी डिजाइनिंग, उनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ट्रेंड को फॉलो करके चलना है। सो दिस इज माय टिप नंबर वन। मूविंग ऑन टू द टिप नंबर टू, अगर आपको मींस अपना पसंद का कपड़ा मिल जा रहा है जैसा आपको चाहिए बट आपको लगता है कि कलर सिमिलर नहीं है तो प्लीज उस फैब्रिक को मत छोड़िए। एंड क्योंकि आप फैब्रिक को डाई भी करवा सकते हो, डिज़ाइनिंग मिल जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा टिप नंबर टू ही यही है कि अगर आपको सिमिलर डिज़ाइनिंग मिल जाती है तो आप उसे ले लें एंड आप उसे डाई भी करवा सकते हैं अपने फेवरेट कलर में। तो मेरा टिप नंबर थ्री है, कई बार क्या होता है कि हमारी साड़ियाँ किसी रीज़न से डैमेज हो जाती है तो हम उसका बॉर्डर निकाल लेते हैं एंड जितना पोर्शन हम यूज़ कर सकते हैं ना फैब्रिक उसमें से लेफ्ट ओवर रहता है हम यूज़ कर सकते हैं। जिस अगर आपके पास भी सिमिलरली किसी पुराने साड़ी का बॉर्डर बहुत दिनों से बचा हुआ है जो बहुत ही सुंदर है, आप उसे यूज़ करना चाहते हो, इसे ये कुर्ता रीयूज़ अगर आपने मेरा देखा होगा तो ये मेरी पुरानी दुपट्टा का बॉर्डर था जो बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ था एंड थोड़ा सा ही ये बचा हुआ था। सो मैंने जब अपनी कुर्ता को रीडिज़ाइन करा तो इसे योक पोर्शन में मैंने स्टिच किया। सिमिलरली अगर आपके पास कोई पुरानी बॉर्डर पड़ी हुई है तो आपको बॉर्डर को लेके मार्केट जाना है एंड उसके अकॉर्डिंग अपने फैब्रिक चूज करना है। अदरवाइज आप किसी प्लेन, अगर आपको बॉर्डर को कैरी नहीं करना है मार्केट तो आप किसी भी प्लेन फैब्रिक के ऊपर आप अपनी पुरानी साड़ी के बॉर्डर को स्टिच कर सकते हो। सो दिस इज माय नेक्स्ट टिप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, उसके पहले ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, अगर आपको अच्छा लगता हो सो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए। नाउ जो मेरा टिप नंबर फोर है कि अगर आपका बजट बहुत कम है मीन्स आप 100 रुपीज़ के अंदर अपनी साड़ी को या 50 रुपीज़ मैं ये बोल लूँ कि अपनी साड़ी को आप न्यू लुक देना चाहते हो तो सिंपली आपको मार्केट में मिलने वाली 3D ग्लिटर्स जो होती हैं इससे रिजनेबल कुछ नहीं होता। आपको 3D ग्लिटर को लेना है, एंड अगर आपकी साड़ी प्रिंटेड है लाइक फ्लावर्स है बर्ड्स है तो किसी किसी एरिया को आपने पिक करना है एंड वहाँ पर 3D ग्लिटर को लगाना है। अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप स्टोन ले सकते हो एंड स्टोन को अपनी साड़ियों के ऊपर चिपका सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। बहुत लो बजट है कि आपने पुरानी साड़ियों को घर बैठे डिजाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से इन सारे टिप्स को फॉलो करते आ रही हूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब भी आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से आप स्टोन को लगाते हो प्लीज़ 24 घंटे या मैं बोलूँगी पॉसिबल हो तो 48 घंटे उसे बिल्कुल ना वॉश करें ताकि जो जो ग्लू है वो आपकी साड़ी पे अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप विद इन 24 आवर्स उसे धो देते हो तो ग्लू जो है बिल्कुल बहुत ही ईजिली निकल सकता है, एंड ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप ये फॉलो करते हो तो इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप फैब्रिक सर्च कर रहे हो मार्केट में एंड अगर आपको कोई फैब्रिक पसंद आ रहा है एंड यू फील दैट ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इट तो आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिंपली 1 मीटर कपड़ा आप खरीद सकते हो या फिर 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर जिससे आपका ब्लाउज निकल जाए। आप ब्लाउज के लिए फैब्रिक को लीजिए एंड उससे ब्लाउज बनवाइए,
क्योंकि हेवी ब्लाउज प्लेन साड़ियों के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इस तरह के आइडियाज लेके आई हूँ कि आप लोग हर कोई इसे इम्प्लीमेंट कर पाओ, क्योंकि हर किसी को स्टिचिंग नहीं आती, डिज़ाइनिंग नहीं आती है, तो बट फैब्रिक खरीदना हर किसी को पसंद होता है। थोड़ी बहुत जो इंटरनेट पे सर्च है वो हर किसी को करना पसंद है। तो अगर आपको कोई कपड़ा पसंद आ रहा है जो बहुत एक्सपेंसिव साइड में है, आप सिंपली 80 सेंटीमीटर अपने ब्लाउज के लिए या फिर आपको फुल स्लीव का बनवाना है तो 1 मीटर आप इजिली खरीद सकते हो एंड देन आप उससे ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो अपने लिए। क्योंकि साड़ी जो है 5.5 या 6 मीटर्स के नीचे की नहीं बनती। अगर आपकी हाइट कितनी भी कम है तो 5 मीटर एटलीस्ट आपको चाहिए ही चाहिए। तो 5 मीटर से अगर आप 1 मीटर को डिडक्ट कर दोगे तो आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। ऑफ कोर्स आपको स्टिचिंग चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो, बट वो ब्लाउज आप मिक्स मैच भी कर सकती हो अपनी दूसरी साड़ियों के साथ में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप पॉइंट, मैंने आपको मेंशन करा था कि प्लीज थोड़ा सा ट्रेंड को आप फॉलो करिए। सो इस तरह गोटा पट्टी इन दिनों बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या मैं बोलूँ लो बजट है तो आपको सिंपल एक नेट का फैब्रिक ले लेना है, उस पर बिल्कुल पतली पतली एंड आप गोटा पट्टी की जो विथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो एंड उस पर सिंपली आपको स्टिच कर लेना है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो हम हर एक जगह रोड साइड में बहुत सारे टेलर्स ऐसे होते हैं जो ये छोटे मोटे काम आपको करके देते हैं, तो आप उनसे भी करवा सकते हो। तो अगर आप अपनी पुरानी साड़ियों को लाइक प्रिंटेड साड़ी है तो उसे न्यू लुक देना चाहते हो तो उस पर गोटा पट्टी लगवा सकते हो, या फिर प्लेन फैब्रिक लेके भी आप गोटा पट्टी लगा सकते हो। गोटा पट्टी में भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर ट्रेंड को फॉलो करते होगे तो फ्लोरल प्रिंट जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बट अगर फ्लोरल के साथ साथ सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। यस, आप क्या कर सकते हो, सिंपली कोई भी जॉर्जेट सिफॉन जैसे भी फ्लोरल प्रिंट का कपड़ा आपको पसंद आ रहा है, ये हमारे यहाँ मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ 60 to 70 rupees से स्टार्ट होके बहुत हाई रेंज तक है। तो आप अपने रेंज के अकॉर्डिंग 5 मीटर का कपड़ा ले सकते हो एंड आप उस पर सीक्वेंस का काम मीन्स आप सितारे ले सकते हो उससे मिक्स मैच कलर का, या फिर आप कंट्रास्ट में ले सकते हो एंड सिंपली उसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अपनी साड़ी के ऊपर चिपका देना है। तो ये एक बहुत ही ईजी वे है अपनी साड़ी को डिज़ाइनर लुक देने का। फ्लोरल एंड सीक्वेंस बहुत दिनों ट्रेंड में, तो आप ये आइडिया भी पिक कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है, अगर आपके पास कोई फैब्रिक है एंड आप उसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हो बट आप बॉर्डर में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो तो ये साड़ी आप देखो, मैंने फैब्रिक लेके देन उसे बॉर्डर में कन्वर्ट करा था एंड देन अपनी साड़ी के ऊपर स्टिच करा था। तो आप भी ये कर सकते हो, कोई भी फैब्रिक अगर आपको पसंद आ रही है एंड उसे आप सिंपली जितने भी आपको विड्थ चाहिए उसे आप कट करके अपने साड़ी को के ऊपर स्टिच कर सकते हो, उसे एक बॉर्डर का लुक दे सकते हो। तो ये आइडिया भी आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो कि अगर आप बॉर्डर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको अच्छी डील मिलती है, मीन्स कभी कभी क्या होता है कट पीस में भी हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती है तो उससे आप इजिली बॉर्डर निकाल सकते हो। तो इस तरह से भी आप घर बैठे अपनी साड़ियों को डिज़ाइनर लुक दे सकते हो, डिज़ाइनर साड़ियाँ तैयार कर सकते हो। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट स्टेप। अगर ये वीडियो भी आप चेक करना चाहते हो कि मैंने इस साड़ी को कैसे बनाया तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अगर आपको डिज़ाइनर साड़ियों की और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है तो ये वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। मे बी 50,000 के लगभग इसमें व्यूज़ गए हैं तो आप इस वीडियो भी चेक कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप साड़ियाँ घर पे क्रिएट करना चाहते हो। तो आप बहुत ही इजीली घर पे हाफ एंड हाफ साड़ी क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपके पास कोई दुपट्टा है जो पड़ा हुआ है तो आप अपने दुपट्टा से एक साड़ी रेडी कर सकते हो। अगर आप दुपट्टा से साड़ी क्रिएट करते हो तो मैं आपको बोलूंगी कि साड़ी को आपको आंचल में लगाना है, क्योंकि साड़ी की जो विथ होती क्योंकि दुपट्टे की जो विथ होती है वो 2.5 मीटर होती है एंड नीचे जहाँ प्लेटिंग एरिया हो रहता है वहाँ पे एटलीस्ट 3 मीटर से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ऑलवेज आपको जो कम फैब्रिक है वो आंचल में यूज़ करना है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई लेफ्ट ओवर फैब्रिक पड़ा हुआ है तो उसे मिक्स मैच करके आप हाफ एंड हाफ साड़ी क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा आपको। नाउ जो मेरा नेक्स्ट टिप है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अगर आपके पास कोई लेस है, सपोज कोई लेस है एंड वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है बट आप 8 to 9 meters साड़ी में लगते हैं बट आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, सो व्हाट यू कैन डू, आपको बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप ऐसे लेसेस को पिक करो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है जिसे सिंपली आप पीसेस में कट कर पाओ। देखिए जैसे मेरे पास ये एक मीन्स लेस है, इसे मैंने खरीदा था बट ये बहुत एक्सपेंसिव था तो मुझे मेरा मन नहीं हुआ कि 10 meters या 9 meters मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, तो मैंने को ले लिया एंड मैंने क्या किया, इसके पीसेस कट कर दिए। देखो क्योंकि ये सर्कल में है तो इसके पीसेस कट करके मैंने साड़ी को पहना एंड पॉइंट किया
या चौक की हेल्प से, तो आप भी इसी तरह किसी के हेल्प से आप मार्किंग करवा सकते हो। एंड जो जो पोर्शन आपका दिखता है साड़ी में, वहाँ वहाँ आप इस तरह से लेस को कट करके आप लगा सकते हो। तो ये बहुत ही इन एक्सपेंसिव वे है अपनी साड़ियों को डिज़ाइनर लुक देने का। सो आप बहुत ही ईजिली इस तरह का लेस खरीद के अपनी साड़ी में बूटे लगा सकते हो, इल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। टिप है, आप क्या कर सकते हो अपनी साड़ियों को न्यू लुक देने के लिए, आप उसमें टैजल ऐड करवा सकते हो। ये साड़ी देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन मेरी सिल्क की साड़ी है और इसमें टैजल लगा हुआ है। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी सिल्क की साड़ियाँ पड़ी हुई है तो आप उसमें टैजल लगवा सकते हो या टैजल लगा सकते हो। बहुत ईजी होता है टैजल लगाना। अगर आप टैजल में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो पुरानी कोई आपके पास पैच पड़ी हुई है साड़ियों में, मीन्स जैसे हम बॉर्डर को खोलते हैं उस तरह पैच को भी आपको खोल के रख लेना है। एंड आप पैच को भी अपनी साड़ियों में आप लगा सकते हो, मीन्स बॉर्डर एरिया में लगा सकते हो। देखो इस तरह से जहाँ पे लगी हुई है, तो आप यहाँ पे सिंपली पैचेस को भी आप लगा सकते हो। तो ये भी बहुत इनएक्सपेंसिव वे है घर पे अगर आपकी पुरानी साड़ियाँ हैं तो उसे डिजाइनर लुक देने के लिए। प्लीज़ मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को ताकि मेरी वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो ये था आज का कंटेंट। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये छोटे छोटे टिप्स हेल्पफुल लगे हो। आप डेफिनेटली इन ट्रिक्स को ट्राई करके आप अपनी साड़ियों को, पुरानी साड़ियों को आप रीयूज कर सकते हो एंड उसे डिज़ाइनर लुक दे सकते हो। यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।